जमीनी विवाद को लेकर भाई का भाई दुश्मन बना हुआ है। हालात तो यह हो गई कि अब जान लेने पर भी उतारू हो गया है। पूरा मामला सगरा थाना क्षेत्र के सगरा में टोला का है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित यशोदा नंदन द्विवेदी ने बताया कि वह भूतपूर्व सैनिक है। उसके भाई त्रिविक्रम द्विवेदी से जमीनी विवाद चल रहा था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। गत दिवस न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला किया तो भाई बौखला गया है। पीड़ित ने बताया कि 28/11 को उसके ऊपर भाई ने 4 राउंड फायर भी किया। गनीमत रही कि वह बच गया, जिसकी शिकायत सगरा थाने में किया, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। लगातार धमकी मिलने के चलते 29 तारीख को भी थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते वह पुलिस अधीक्षक से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाया है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। क्या घटना हुई थी यहाँ पर? हम लोग वहाँ पर खेत कचड़ा बिल रहे थे, गाय बांधे वहीं पर ये कचड़ा बिल रहे थे, कांटा वाटा थे इसका बमूर का, तो उसको ये काट रहे थे, हम बिल रहे थे। उसने दोनों यहाँ से पहले देखा, फिर 2-4 शब्द गाली गलौज किया, इसके बाद चला गया अंदर। हम लोग यहाँ पर अपना कचड़ा बिन रहे थे, जो कांटा वाटा ये काट रहे थे, हम बिन रहे थे जरबा। इतने में वो गोली लेके आ गया, जैसे मैं ऐसे देखी तो उसकी बंदूक लटकी हुई थी पीछे, तो मैंने इनको बोला कि भागो भागो बंदूक लेके आ गया, तो उसने इतने में फायर कर दिया। कितने फायर किए? एक फायर किया तो हम लोग इधर थे, फिर दूसरा फायर किया तो हमारे ऐसे साइड से गोली निकल गई। इनको मैंने तीसरे फायर में इतना जोर से ढोंसा, हम बिगिर गए, ये बिगिर गए, फिर हम लोग भाग दिए। और वो एक चाचा के लड़का थे, वो आए इतने में, तो उन्होंने उसको बोला कि ये क्या कर रहे हो, इसके बाद वो अंदर चला गया। रामाशंकर पाठक जी इनका चल रहा था, जो कि रीवा कोर्ट न्यायालय से संपन्न हो गया है, जज आशीष कुमार ताम्रकार के यहाँ से, और ये इनका निरस्त हो गया है कि इस उत्तर साइड के ना ही कब्जेदार हैं ना ही पट्टेदार। अब उसके बाद ये जो है, अब जब इनकी ज़मीन नहीं है, उन्होंने तय कर दिया है, तो ये हमारी ज़मीन में अवैध अवरोध लगाने के लिए राइफल का वो सहारा लेके खेत में आ गई अचानक, और हम गाय बांध रहे थे, मारे तो हमने नीचे थोड़ा सा हो गया, नहीं तो वो लग जाती। फिर दूसरा राउंड फायर किए हैं, और तीसरे राउंड में हम भाग दिए। जब इसकी रिपोर्ट हमने एसपी साहब के यहाँ 29 तारीख को दिया था कि इसके पास है राइफल, हमारी सहायता की जाए, और 29 तारीख को 28 तारीख को एसपी के यहाँ, 29 तारीख को सगरा थाने में जो है रिपोर्ट दिया कि हमारी सहायता की जाए, ये मुकदमा हार चुका है, इसके पास राइफल है, जब्त नहीं हो रही है, तो उनको दिया था। जो इसके पास 4-5 धाराएं लगी हैं जो कि क्रिमिनल है, 294, 323, 324, 325, 506, 34, इतनी धारा लगी है, जो कि इसके यहाँ जमानत पर रिहा है ये, और इसका लड़का अजेश कुमार द्विवेदी और इसकी पत्नी राज। अब उसके बावजूद भी ये घटना कर रहा है। हम क्या है इनके आरोपियों का? आरोपी का नाम है त्रिविक्रम प्रसाद द्विवेदी, और आरोपी की पत्नी का नाम है राजवती द्विवेदी, और लड़के का नाम है अजेश द्विवेदी, जो तीनों आरोपी हैं ये क्रिमिनल केस में मारे थे। ये FIR 117/2021 में इन्होंने कांड किया था, हमको मारे थे, सिर में टांगी मार दिए थे, हाथ टूट गया था, तो शुरू तो करिए। अरे ठीक, शुरू करिए। आ रहा है, बताइए क्या नाम है आपको, क्या करना है? मेरा नाम है शोधन नंदन द्विवेदी। तकरीबन 11 बजे हम अपनी गाय बांधने गए अपने खेत में, और जैसे गाय बांध के रीता तो त्रिविक्रम प्रसाद द्विवेदी हम लगातार 4 राउंड फायर किया, और हम नीचे छुप गए, नहीं तो वहीं ख़त्म हो जाते इस पार्ट में। इसकी सूचना मैं सगरा थाने में गया तो थानेदार साहब थे, तो उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम बच गए हो, और वो नामचे में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखा, और वो बोले कि लिखित रिपोर्ट सगरा थाना में दे दो, और चली गई। सगरा थाने में दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई, 4-4:30 बजे करीब आई, और उसके जिंदा राउंड जो है 4-5 लेके चली गई। आज तक न वो
अपराधी अभी तक बंद हुआ, ना उसकी राइफल जब्त हुई, जबकि जहां से वो फायरिंग किया था उसकी दो फायर्ड केस बरामद हुए थे वो भी मैडम को दिखाया था। अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई, इसके लिए हमको एसपी ऑफिस आना पड़ा। इसके पहले भी हमने आवेदन 28/11 को एसपी ऑफिस दिया था, 29/11 को सगरा थाने में दिया था, और उसके बाद 30 तारीख को फिर सगरा थाने में दिया। आज 1 तारीख को फिर एसपी ऑफिस आ रहा हूं, इसकी कोई कार्रवाई सगरा थाने नहीं कर रही है और वो अपराधी घर में ही है, जबकि उसके पास पहले से ही 4-5 मुकदमे लगे हुए हैं। आप पर उन्होंने फायर क्यों किया था, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था हमारा, उनका जमीन का अदालत चल रही थी रीवा कोर्ट में, वो रीवा कोर्ट जज से आशीष तमकार न्यायाधीश से हार गए, हारने के बाद हो गया उनका काम ख़त्म हो गया। अब वो ईर्षा बस जो है हमारे ऊपर मतलब ये कर रहे हैं कि ताकि ये ख़त्म हो जाए तो हम इस ज़मीन को छीन लें, इसके लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, आज उनको 2010 से हमारा अदालत का प्रकरण चल रहा था, हमारा 4 राउंड फायर किया, 2 केस मिले हैं फायर्ड केस, 2 नहीं मिल पाए हैं। इसकी शिकायत आपने थाने में किया, क्या कार्रवाई की? सगरा थाने में हमने गए, पूरी घटना की बताए, इसके पहले भी हमने आवेदन दिया था तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम बच गए हो और लिखित रिपोर्ट मुंशी को दे देना, चली गई, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया, रमजान पे में उसका रिपोर्ट नहीं लिखा और वो चली गई। फिर क्या नाम है? मेरा नाम है सोदानंदन द्विवेदी।